Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। आज उस मुरली की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं वो महावाक्य जो परमात्मा स्वयं अपने बच्चों को दे रहे हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है उसका टाइटल है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। जहाँ कॉन्सेंट्रेशन है और डिटर्मिनेशन है सफलता होनी ही है। तो संकल्प जो किया उसको कर्म के समय स्मृति में रखना है। आई एम अ पीसफुल सोल, नाउ यूज इट। सुनना जानना ये दोनों याद रहता है। सुन भी लिया, जान भी लिया, ये दोनों याद रहता है। लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। एक कॉन्शियसनेसली तो बाबा ने कहा उस सीट पर फिर अब सेट हो जाओ। आएंगी बातें, बार बार डिस्ट्रैक्टेड होकर हिलो नहीं। यू नो जैसे फिजिकली हिलते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ उठ जाएंगे, थोड़ा सा कुछ हुआ भागने लगेंगे। नहीं, उस कॉन्शियसनेस को पकड़ के। अब अगर फिजिकली कोई बहुत ऐसे है कि वो एक जगह पे नहीं बैठ सकता तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? फिर यू हैव टू डू इट विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से करते 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 धीरे धीरे वो बैठ पाएगा। तो इस तरह इसको भी भागने की आदत पड़ेगी। यू नो दिस विल पुश लाइक दैट, अगेन अगेन बैठ जाओ, कम बैक। इफ आई वॉन्ट टू टीच माई चाइल्ड और इफ आई वॉन्ट टू टीच माई स्टूडेंट हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, कैसे करेंगे? सिर्फ बोलने से तो नहीं हो सकता ना। आप देखो टीचर क्लास में आके बोलते हैं सबके सामने खड़े होके कॉन्सेंट्रेट, बट इट्स नॉट अ ऑटोमेटिक थिंग कि आपने कहा एंड उन्होंने कर लिया। उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पहले हमें अपनी स्थिति को चेक करना पड़ेगा। सी, एक है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी है डिस्ट्रैक्शन। एक है कि मन एक थॉट पे चल रहा है और दूसरा है कि मन हर समय अलग 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 थॉट्स में भागता है। इसमें भी वाइब्रेशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और समवेयर आई थिंक हमने ये मान लिया है कि हम अगर मुंह से साइलेंट है तो आप कॉन्सेंट्रेट कर लोगे। सो टीचर, बट व्हाट टीचर मींस और व्हाट पेरेंट्स सेज व्हेन दे से कॉन्सेंट्रेट, इट मींस कि आप बाकी कुछ ना देखना बंद करो और बोलना बंद करो तो तुम कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। नॉट एट ऑल। आई कुड बी सिटिंग इन ऑल केओस and internally concentrated, and I could be ekdam silent and internally absolutely disturbed and distracted. ये तो हर एक को अपनी कहानी पता है, सिर्फ ये कोई और नहीं बता सकता बाहर। हर एक अपनी ही स्थिति को चेक कर सकता है। तो इसमें अगर हमारे घर पे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं, तो इसमें पेरेंट्स ये हेल्प पहले करें कि पहले अपने मन बुद्धि की चेकिंग करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर में जो सारे लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि उनकी स्थिति भी एक बच्चे की स्थिति पर प्रभाव डालती है। अगर एक पेरेंट का माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है, यू नो कॉन्सेंट्रेशन का ऑपोजिट है टू मेनी थॉट्स, टू मच डिस्ट्रैक्शन, टू मच स्ट्रेस, तो वो दैट इज़ अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। तो अगर जो उस बच्चे के आसपास बड़े हैं अगर उनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है तो वो वाइब्रेशन बच्चे को भी आएगी। आप देखो जब हम किसी महात्मा के सामने जाते हैं, किसी संत आत्मा के सामने जाते हैं जिनकी स्थिति बहुत एकाग्र होती है, तो उनसे मिलते ही हम क्या कहते हैं, आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल, बहुत अच्छा लगता है। साइलेंट हो जाता है। अब ये क्या हो गया कि उनका माइंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था और उनके प्रभाव में आने से उनकी कॉन्शियसनेस का इफेक्ट हम पर पड़ा और हमारा माइंड भी एकाग्र होने लगा, यहाँ वहाँ की थॉट्स बंद हो गई। इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ दैट सोल on me. Can parents play this role? I think. Can parents play this role? Can the teacher play this role? कि एक टीचर जब क्लास में आए, टीचर बोल रही है, बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का माइंड यहाँ वहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज टीचर उनको फिजिकली तो साइलेंट कर सकती है डरा के, लेकिन उनके माइंड को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद जो पढ़ा रहा है उसका माइंड भी कहीं और है। अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड कैन नॉट होल्ड अदर पीपल्स माइंड्स। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो पढ़ा रहा है वो अगर एकदम एकाग्र है, उसका माइंड उसी थॉट पर है जो वो बोल रहा है और उसके माइंड में कोई और थॉट नहीं है, वो पकड़ लेगा औरों को।
बाकियों के माइंड भी कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन ये तो हर एक की चेकिंग है। किसी टीचर के साथ हम ऐसे जुड़ जाते हैं, पूरी पूरी क्लास ऐसी हो जाती है, यू नो देयर इज नो अदर थॉट, और कभी कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है। कभी कभी एक घंटा आप सुन रहे होंगे और आप कहेंगे पता ही नहीं चला एक घंटा बीत गया, क्यों पता नहीं चला एक घंटा बीत गया, कि वो एक घंटे में कोई और थॉट्स नहीं आए, यू वर विद द फ्लो। तो आप, और कई बार हर 5 मिनट के बाद आप अपनी घड़ी देख रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगा। इसमें आपकी स्थिति का तो है इफ़ेक्ट, लेकिन सामने वाले की स्थिति का भी उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस नाउ कि अपने बच्चों को एम्पावर करने के लिए पहले हमें अपना भी ध्यान रखना होगा। तो मुरली हमें एकाग्रता की शक्ति डेवलप करने में बहुत मदद करती है। तो जैसे बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता मतलब वो माइंड में सिर्फ वो ही थॉट आए जो उस समय के लिए, उतनी देर के लिए वो इम्पोर्टेंट है। एक थॉट, ये नहीं टू मेनी थॉट्स। यू नो सपोज आप ये काम करने जा रहे हैं तो एक ही थॉट, ये काम हो जाएगा, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, एंड आप उस एनर्जी के साथ काम करें। ये काम करना है, करना है और ये हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो, अगर उन्होंने कर लिया पहले तो ट्राई तो मैंने किया है, लेकिन मैं एफर्ट तो हर टाइम करती हूँ, रिजल्ट हर टाइम उतना, दिस इज़ ऑल डिस्ट्रैक्शन, और हमारी एनर्जी नेगेटिव की तरफ चली गई। और फिर ऑब्स्टिकल जब आएगा, सी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आने ही हैं, नथिंग इज़ परफेक्ट आउटसाइड, लेकिन अगर हमारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड है तो वी हैव द पावर टू क्रॉस द ऑब्स्टिकल। इट्स लाइक अ रेस जिसमें हर्डल्स हैं, लेकिन हमारे अंदर ताकत है तो हम उस हर्डल के ऊपर ऐसे ही जंप कर लेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, हर्डल तक, अगर हमने ये इतनी सारी थॉट्स क्रिएट की होती हैं तो मतलब हमने अपनी पावर को कम कर दिया, और जब हम उस ऑब्स्टिकल तक पहुँचे, वी हैव नो पावर लेफ्ट टू टेक दैट हाई जंप। एंड वी वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, या वी ऑलरेडी क्रिएटेड इट एनीवेज, या वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये हो सकता है, ये नहीं हुआ और ये सब कुछ, एंड देन व्हेन इट कम्स वी, एंड देन जब वो आएगा तो हम कहेंगे कि इसीलिए तो मैं सोच रहा था उसके बारे में, क्योंकि मुझे मालूम था ये होना तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने से, जो आपको मालूम था वो तो हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से उसको क्रॉस करने के लिए जो ताकत चाहिए थी वो आपने पहले ख़त्म कर दी। सो नो पॉइंट थिंकिंग ऑफ व्हाट, हाउ, वेयर इट विल हैपन, दिस हैज़ टू बी डन, वन थॉट, स्टार्ट वर्किंग। चैलेंज आएगा, आपने बहुत सारी एनर्जी ऑलरेडी कंजर्व कर ली है जिससे आप उस चैलेंज को क्रॉस कर लेंगे। तो बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी, आपको ऑब्स्टिकल लगेगा ही नहीं, आपको ऑब्स्टिकल को आप क्रॉस कर जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई थी, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप उसको सहज क्रॉस कर जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज एकरस बना देती है, स्टेबल। हम बार बार एक थॉट हम बार बार अवेकनिंग पर यही बात कर रहे हैं कि परिस्थिति आएगी स्टेबल, परिस्थिति आएगी स्टेबल। तो वो स्टेबल कौन रह पाएगा, जिसने एक थॉट पर चला हो, तो जब सिचुएशन आएगी भी वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। एकाग्रता की शक्ति सदा सबके प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बना देती है। सी, आपकी राइट थिंकिंग बाहर सब कुछ राइट कर देती है, यहाँ बहुत सारी थॉट्स क्रिएट होना, एंड दैट टू डिफरेंट क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो अगर आपकी एक थॉट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, वेस्ट थिंकिंग कुछ नहीं है, तो सबके प्रति कल्याण की वृत्ति सहज बना देती है। मतलब किसी के प्रति जजमेंटल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बिटरनेस, हेट्रेड, खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक ये बात कि अगर मैं एक थॉट लेकर चला, जो ऑब्स्टिकल है वो कोई ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल थोड़ा आएगा, वो तो लोगों के रूप में आता है, लोगों के थॉट्स, लोगों के स्वभाव, संस्कार, और ऊपर से परिस्थिति भी, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई, तो उसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन उसको हटाने, उसको चेंज करने में निकलता है, और उस पूरे प्रोसेस में आई थिंक वो व्यक्ति के बारे में कल्याण को रख पाना। एक्चुअली इसमें भी हम अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, उनको हटाने में या उनको ठीक करने के बजाय मुझे क्या करना है अब, हाउ डू आई
ओके लेट्स से दे आर नॉट बिहेविंग राइट, दे आर नॉट डूइंग राइट, just nothing seems to be going right. See, suppose we did something for somebody, you know, right, and they reject the project, yeah, or whatever, right. So now it's an obstacle, yeah, yeah. It is an obstacle, yes. A very big obstacle. Aur ab ye obstacle kitne kitne roop mein aaya, ek kaam ruk gaya, dusra kaam pe criticism ho gayi, rejection ho gaya, teesra jisne bhi wo kiya uska vyavahar could be a lot of things. Ab ye 1, 2, 3 sare obstacles aa gaye, main kya kar sakti hu isme? काम को ठीक करना, उनको ठीक करना, ये फोकस करना, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैंने तो बेस्ट किया था, ऐसे ही उन्होंने कर दिया. यू नो दिस इज़ वेस्ट थिंकिंग, बिकॉज ये एक एक थॉट, इवन दो भी से, लेकिन ये तो आएगी ही, आएगी ही, आएगी ही, लेकिन जब ये आएगी, मुझे अपने आप को कहना होगा, वेस्टिंग टाइम एनर्जी, योर वेस्टिंग टाइम एनर्जी, योर वेस्टिंग योर टाइम एनर्जी, क्योंकि यही एनर्जी को आप उस काम को ठीक करने में लगाना है. सी प्रॉब्लम आई है, मेरे पास एनर्जी उतनी ही है, उस एनर्जी से या तो उस काम को ठीक करूँ, या वो काम क्यों गलत हो गया उसके बारे में सोचूँ. जितना सोचेंगे, power depleted, because I create anger, I create hatred, I create stress, I create fear. अब क्या होगा? तो strength चाहिए. तो अब ये आया है, काम भी ठीक नहीं, लोग भी ठीक नहीं, let's say कुछ भी ठीक नहीं, वो ऐसे क्यों, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, काम मैंने किया था नहीं, अब मुझे क्या करना है? One thought. तो सारा focus उनसे हटाकर अपने ऊपर लाना, अपने पर. एंड अपने पर भी, मैंने क्या किया नहीं, मुझे क्या करना चाहिए था नहीं, अब क्या करना, मुझे अब क्या करना है. दिस इज व्हाट यू नो मैनेजमेंट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बट वी नेवर अंडरस्टूड हाउ टू डू इट, वी रियली नेवर अंडरस्टूड. मुझे अब क्या, इवन इफ आई हैव मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गिल्ट, वेस्ट ऑफ टाइम, अब क्या करना है? तो अब क्या करना है पर आने से मेरी सारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है, एंड आई एम एबल टू लुक एट द सिचुएशन, उसमें मुझे सोल्यूशन दिखाई देने लगता है. लेकिन अगर मैं वो सब थॉट्स में चली जाती हूँ, समटाइम्स आई कैन जस्ट सिट बैक एंड से, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, यार आई जस्ट कांट डू इट नाउ, मैंने अपना बेस्ट कर लिया है, नुकसान हो गया. तो विघ्न आया, लोगों के प्रति हमने हर तरह की थॉट क्रिएट की, इसकी बजाय अब क्या करना है, और वो भी अब मुझे क्या करना है. ओके, नन ऑफ देम आर बिहेविंग राइट, मुझे क्या सोचना है, एंड मेरी सोच मेरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिहेवियर. अभी तक वो एक और जो इक्वेशन थी, जैसा उनका बिहेवियर होगा वैसे मेरी सोच थी. अब परमात्मा हमें सिखा रहा है, मेरी सोच मेरी है, सो लेट मी ब्रिंग ऑल द फोकस टू दैट. तो फिर नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स कम हो जाएंगे, और एनर्जी सारी कार्य में लग जाएगी, तो फिर वो लोग भी बुरे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपकी स्थिति अच्छी हो गई है. जब आपका मूड अच्छा है, आपको हर एक ठीक दिखाई देता है, लेकिन आप अपसेट हैं, यू डोंट लाइक एनीबडी एट दैट टाइम, बिकॉज़ यू आर मेकिंग अदर पर्सन रिस्पांसिबल, ना यू फील दैट आई एम अपसेट बिकॉज़ ऑफ दैट पर्सन. तो फिर ऑटोमेटिकली जब आपने पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी ले ली, तो फिर हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति सहज हो जाएगी. एकाग्रता की शक्ति हर आत्मा के संबंध में स्नेह, सम्मान, स्वमान के कर्म सहज अनुभव कराती है. हर आत्मा के संबंध में स्नेह, लव, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान, रिस्पेक्ट सहज अनुभव कराती है. आज ये सबसे मुश्किल चीजें हमारे yes, रिश्तों you know, में और ये कहना कि आप वो मुझे मेरे काम को जिसको लेकर मैं इतना कर रहा था या जो कोई भी चीज है yeah. उसको वो गलत कहे और तब भी आई कीप दैट रिस्पेक्ट एंड यू नो लाइक उसको उनको स्वमान दे पाना right. उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ रख पाना और उनको रिस्पेक्ट yes. कर पाना hmm. लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट तब कर पाते हैं जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपके दर्द का कारण वो नहीं है. वो नहीं है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप उनको रिस्पेक्ट तब दे पाते हैं जब आप दर्द में जाते ही नहीं है. सी व्हेन विल आई हेट यू और व्हेन विल आई ब्लेम यू? व्हेन आई गो इन पेन. लेकिन अगर मैंने अपना ध्यान रखा, ठीक है आई वेंट, थोड़ा सा हर्ट क्रिएट हुआ, उसके ऊपर वर्क किया, उसको ठीक कर लिया, तो जब दर्द ही नहीं तो फिर इल्जाम किसी पे लगेगा. और इनफैक्ट अनदर थिंग यू नो लाइक वो कभी कोई गलत कहता है,
इफ आई स्टार्ट टेकिंग दैट मैं गलत हूं, सी बोथ कैन बी राइट ना, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड समटाइम्स, ऑलवेज बोथ कैन बी राइट, नहीं बोथ आर ऑलवेज राइट, ये हो सकता है कि कल आपकी राइट की डेफिनेशन अलग थी, आज आपकी चेंज हो गई है, लेकिन कल जब आपने वो किया था आपने उसको राइट समझ के ही किया था, अब आपकी राइट की पर्सपेक्टिव चेंज हो गई है तो अब आप उसको और डिफरेंटली कर सकते हैं, बट ईदर सेइंग दे आर रॉन्ग तो ब्लेम गेम हो जाती है और सेइंग आई एम रॉन्ग तो गिल्ट की गेम हो जाती है, बोथ वर नॉट ट्रू, दे वर राइट दैट डे, आई वाज राइट दैट डे, टुडे आल्सो दे आर राइट, आई एम आल्सो राइट, नाउ लेट्स वर्क, तो फिर रिस्पेक्ट भी रही और सेल्फ एस्टीम भी रही, ब्लेम किया रिस्पेक्ट खत्म हुई, गिल्ट में गए सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, तो बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति होगी तो सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड फिर प्यार स्नेह तो नेचुरल हो जाएगा, तो अभी करना क्या है, क्या अटेंशन देना है, एकाग्रता स्थित होते हो लेकिन एकाग्र अनुभव नहीं होते कई बार, क्योंकि जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होके उस स्थिति से हट जाते हो, इतने समर्थ बने हो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर प्रमाण चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आओ, ही कैन टेक अस टू दैट लेवल, स्वप्न में भी सेकंड के लिए भी हलचल में नहीं आओ, सी द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यू नो आप जो स्टडी करते हैं ये एम ऑब्जेक्टिव है कि सारा दिन में तो सेकंड में भी नहीं, ड्रीम्स में भी आप एक सेकंड के लिए भी हलचल में नहीं आओ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस गोइंग टू बी, बट इफ ही सेइंग इट, इट इज पॉसिबल, इट वर्क्स, यू नो दैट इज व्हाई पीपल से एट टाइम्स, यू नो जब मुरली सुनने जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जैसे ही मुरली में ये सब बातें आ रही होती हैं, वी एक्चुअली स्टार्ट रिलेटिंग टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड लास्ट एपिसोड में, और फिर हमें लगता है कि ये हो तो सकता नहीं है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ हम उन अलग अलग रोल्स को कर रहे होते हैं हमें दिख जाता है कि ये कैसे करेंगे। देखो आप आज हम नर्सरी में एडमिशन लेते हैं और नर्सरी में ही हमें टीचर बोलती है आप क्या बनना चाहते हो, तो हम कहेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, नर्सरी का बच्चा डॉक्टर बन नहीं सकता, लेकिन नर्सरी से ही उसकी तैयारी की जा रही है कि वो डॉक्टर, और वो बन जाएगा फाइनली, वो बन जाएगा, बन जाएगा, और वो टीचर उस बच्चे की कैपेसिटी को देखता है और टीचर उस बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार उसको फिर तैयार करता है और फाइनली वो बच्चा बन जाता है, तो ये भी हम बच्चे हैं आज, लेकिन टीचर है और टीचर परफेक्ट है और वो हमारी कैपेसिटी को जानता है, अगर हम नहीं भी जानते, आप देखो स्कूल में भी कई बार होता है हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन टीचर को हमारे अंदर हमारे से ज़्यादा फेथ होता है, हमारे पेरेंट्स को हमारे अंदर हमारे से ज़्यादा फेथ होता है, तो उनकी वो मोटिवेशन और उनका वो विजन वो रियलिटी हमारे लिए क्रिएट कर देता है, प्रोवाइडेड वी हैव फेथ इन देम, इन देम, यस, वी हैव फेथ इन देम, सो देयर वी हैव टू हैव फेथ इन हिम, यस, दैट व्हाटएवर ही इज थिंकिंग अबाउट अस, उन्होंने उसने जहाँ हमें रखा है हम उस बात पर निश्चय रखें, उसको हमारा पोटेंशियल पता है, हाँ, क्योंकि वो हमें जानता है हमारी परफेक्ट स्थिति क्या थी, हम नहीं जानते, that's what, that's very important, you know, हम कहते हैं कि क्योंकि हमें अपने पर निश्चय इतना नहीं हो पाता कि हम ये अचीव कर सकते हैं, you know, but उसको पता है क्योंकि उसको हमारी कैपेसिटी पता है, तो हम सिर्फ उसको एक्सेप्ट करें और वो जो कह रहा है उसको करें, वो हमें अपनी कैपेसिटी तक ले जाएगा, सही से स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल में नहीं आओ, मन मालिक को परवश न बना दे, मन मालिक को परवश न बना दे, परवश आत्मा की निशानी है, उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति चाहते हुए भी नहीं होती है, जब हम परवश हो जाते हैं किसी चीज के, आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं हो सकती है, वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ ही क्या है, स्व का भाव, स्व का भाव तो अच्छा ही होता है, खराब तो नहीं होता, स्व कहने से याद क्या आता है, जो आपने भी पहले कहा ना मेरा स्वभाव क्या है, तो बाबा ने कहा स्व कहने से याद क्या आता है, आत्मिक स्वरूप याद आता है ना, स्व मीन्स आई, तो कौन, तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सबके प्रति आत्मिक भाव, जब भी कमजोरी वश
सोचते हो कि मेरा स्वभाव व मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करो, है ही ऐसा, ये कौन सी आत्मा बोलती है? ही सेज आस्क योरसेल्फ, कौन बोल रहा है? ये तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, संस्कार ही ऐसा है, ये शब्द व संकल्प परवश आत्मा के है। तो फिर बाबा ने कहा, तो जब भी ये संकल्प आए कि स्वभाव ही ऐसा है, तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ, यू नो, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है। बाबा कहते हैं, जब भी ये थॉट्स आए तो श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर कहीं माइंड कहेगा, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो सकता है, तो और हो भी तो नहीं पा रहा, हाँ दिख तो रहा है मेरे से कि मेरे से नहीं हो रहा, सब लोग कर पा रहे हैं, मेरे से ही नहीं हो पाता, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम नॉट, दिस इज परवश आत्मा। सो ही सेज, जब भी ऐसे थॉट भी आए तो आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, ये अभी का अक्वायर्ड संस्कार हो सकता है, लेकिन मेरा ओरिजिनल संस्कार क्या है? आई एम अ पावरफुल सोल, ये हर आत्मा का संस्कार है। अक्वायर्ड संस्कार हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, ओरिजिनल संस्कार हर आत्मा के सेम है। तो फिर अगर मेरा अक्वायर्ड आपसे डिफरेंट भी है, सपोज आई कैन सी कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर बहुत विल पावर है, आप जो सोचते हैं वो आप कर लेते हैं, एंड जब मैं अपने आप को देखूँ तो ऐसे मेरे से नहीं होता है, मैं सोचती हूँ नहीं होता, सोचती हूँ नहीं होता, तो देन आई जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो इनके पास संस्कार है ना विल पावर का, वो एक्चुअली मेरे पास भी है, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल संस्कार है, मुझे सिर्फ उस फाइल को खोलना है। वो खुलेगी कैसे? बाय रिमाइंडिंग माई सेल्फ आई एम अ पावरफुल सोल। लेकिन आई कीप टेलिंग माई सेल्फ आई कान डू इट, मेरे से नहीं। जितना आई क्रिएट दोज थॉट्स, वो संस्कार और भी कड़क होता जाता है, एंड जितना आई क्रिएट दिस थॉट आई एम अ पावरफुल बींग आई कैन डू इट, मेरा वो वाला संस्कार वीक होता जाएगा और ये मेरा ओरिजिनल संस्कार जो ऑलरेडी है ये इमर्ज होता जाएगा। तो बाबा ने कहा, जैसे ये थॉट आए तो अपने ओरिजिनल और श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ, संस्कार सामने आए कि मेरा संस्कार, तो सोचो क्या मुझ विशेष आत्मा के ये संस्कार हैं जिसको मेरा संस्कार कह रहे हो? मेरा कहते हो तो कमज़ोर संस्कार भी मेरे पास, सी द ब्यूटिफुल लाइन, मेरा कहते हो तो कमजोर संस्कार भी मेरेपन के कारण छोड़ता नहीं। हाँ, वही तो, because मैंने उसे कह दिया कि it's mine. You belong to me. I think I have to say it. Shasha, yeah, please go because away. Because I have to say not this. That is my संस्कार. You're not mine. You're not mine. Oh, I have to actually let disown go. It. Haan. Disown it. ये मेरा नहीं है. He says कि कमजोर संस्कार. I like that. You know. Next time when I'm going to feel this, I'm going to say no. This was not me. नहीं, ये मेरा संस्कार नहीं. अभी हम कहते हैं ये मेरी नेचर है. ये मेरी नेचर है, तो वो याद दिला रहा है ये आपकी नेचर नहीं है, जो आपका नहीं है उसको बिना बात के अपना बना के अपने पास बिठा लिया है, तो वो भी आपको छोड़ता नहीं है। बहुत क्लियर होना चाहिए मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। तो मैं आत्मा पीसफुल, ये मेरा है, गुस्सा मेरा संस्कार नहीं है। जितनी बार कहेंगे गुस्सा मेरी नेचर है, गुस्सा मेरी नेचर है, तो वो और आपके पास टिक कर बैठ जाएगा। तो ही सेज, वो संस्कार भी मेरेपन के कारण छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये नियम है, जहाँ मेरापन होता है वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ अधिकार होता है, तो वो भी अधिकार रखता है। वो क्रोध के संस्कार को मेरा कह दिया, वो आपका अपना बन गया, तो वो भी फिर आपके साथ अधिकार से चलता है। तो कमजोर संस्कार को मेरा बना लिया, तो वो अपना अधिकार छोड़ता थोड़ी है। I like this actually, you know, so not beautiful. Only growth, I've said lot so of... many, this yeah, is just a general yes, one, but yes, so yes, many. Yes. कोई भी इस कमजोर संस्कार को अपना बना लिया। कहना ही नहीं है। वो है ही नहीं, लेकिन this is not mine, because उसने हमें ये बता दिया कि what all are mine. उसने आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हमें बता दिए हैं, तो बाकी पूरी लिस्ट वो हमारी नहीं है, लेकिन हम बहुत जन्मों से कहते आ रहे हैं ये मेरा है, ये मेरी नेचर है, मैं मेरी नेचर मैं ऐसा है, मैं क्या करूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरा है। तो फिर बाबा ने कहा, वो कमजोर संस्कार भी अपने पन के कारण
अपना अधिकार दिखाता है। तो कमज़ोर संस्कार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ता नहीं। इसलिए परवश होकर बाबा के आगे अर्जी डालते रहते हो, छुड़ाओ छुड़ाओ। पहले उसको अपना बना लेते हो और फिर परमात्मा के आगे अर्जी डालते हो, इस संस्कार को छुड़ाओ। संस्कार शब्द कहते ही याद करो कि अनादि संस्कार कौन से है मेरे। इसे जो संस्कार शब्द ही बोला, स्वभाव शब्द ही बोला, तो सिर्फ ये याद रखो मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। ये माया के संस्कार हैं, मेरे नहीं हैं। ये मेरी कमजोरियां हैं, मेरे संस्कार नहीं हैं। तो एकाग्रता की शक्ति से परवर स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। एक है विक्टिम, मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं हो सकता, और एकाग्रता, आई एम अ पावरफुल सोल। तो परवर स्थिति से मालिकपन की स्थिति पर सेट हो जाओ। आई एम स्ट्रॉन्ग, यू नो, विक्टिम से मास्टर, स्लेव से मास्टर। He can do that. And then he teaches us, and then we can do it for ourselves. So now you see, if early in the morning we read this and go to work, what will happen? Yeah, you know, like whole day, my God, it's very powerful. What will happen? And feel rose, na? And you know, like, no, look at it. I'm saying, hum aise se hue hote hain. Ye koi itna powerful सोल पावरफुल व्यक्ति अगर मुझे ये कह दे, हमारे मेरा प्रिंसिपल कह दे कि बच्चे को कि यू आर द बेस्ट, तो आप जिस भी स्थिति में होते हो यू फील यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो आज सिंपल है कि ये जो भी आज हर एक अपनी चेकिंग करे कि कितनी कमजोरियों को हमने मेरा कह दिया था, ये मेरी नेचर है, मैं हो जाती हूँ, उसको अब बैठने नहीं दो, उसको अपना नहीं बनाओ, नहीं तो वो अधिकार बन जाता है, वो ऑटोमेटिक आने लगता है फिर, क्योंकि इट्स टेकन ओवर यू, परवश हो गए हैं। अब चेंज आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, प्योरिटी, लव, पावर, पीस, ब्लिस, नॉलेज, उसमें से कोई एक चूज करें जो आपको उस परिस्थिति के लिए चाहिए। एंड रिमाइंड योरसेल्फ, दिस इज हु आई एम। मेरा संस्कार सिर्फ ये लिस्ट है, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ माया है, सब कुछ यू नो पराया है, दैट्स नॉट माइन। कॉन्शियसनेस विल चेंज। तो एकाग्रता की शक्ति में एक थॉट लेकर फिर उस पर हम कॉन्सेंट्रेट हो जाए। वेरी ब्यूटिफुल, आई थिंक टुडेज मुरली वॉज वेरी पावरफुल ऑल्सो, और बहुत वही अपने आप से हमारा तारुफ कराते जाना। और इसमें अगर मेरे प्रैक्टिकल जीवन की कुछ बात नहीं भी है तो सब कुछ मैं उसको रिलेट कर सकती हूं हमारे सी, ये सब कोर है, अब इसको अपने प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करना, ये हमें करना होगा। और ये हम कंटिन्यूसली कर सकते हैं अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहें कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज एक नई बात सीखी है कि जो भी कमज़ोरी मुझे लगती है मेरे अपने अंदर, वो मेरी नहीं है। छोड़ना कहा जाता है कि बहुत बार इस प्लेटफॉर्म पे हमने बात की है लेट गो की, तो लेट गो किसका? पकड़ना उसको जो परमात्मा ने कहा, जो मेरे पिता ने बताया, एक पावरफुल सोल ने बताया, ये मेरा है। एंड आई एम लाइकिंग दैट, यू नो, मुझे अच्छा लगता है ये सोचना कि मैं पावरफुल हूँ, मैं ट्रुथफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, और ये मेरे ओरिजिनल संस्कार हैं। और सचमुच ये अच्छा नहीं लगता सोचकर कि मैं क्रोधी हूँ या मैं जेलस हूँ, ये सारी फीलिंग्स कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अब ज़रूरत इस बात की है कि उनसे अपने आप को किनारा करते जाना है, उन्हें अपने पास जगह ही नहीं देनी है। इवन इफ आई फील दैट वे, आई हैव टू स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ कि ये मेरे नहीं हैं। जब अपनापन हटाएंगे तो जो सचमुच अपने हैं वो हमारे नज़दीक आते जाएंगे, सिर्फ रिश्तों में नहीं, मेरे अपने साथ भी। कोई बात आपके मन में उठ रही है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे और भी बातें होंगी और मुलाकात होगी। आपसे विदा लेते हैं। ॐ शान्ति।